वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। तो मान लेते हैं लेट, ये हमें नहीं पता है, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स मान लेते हैं। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ईच टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक्स। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड 55 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है? रुपीज 750। ओके, यहाँ भी हम कर देते हैं रुपीज। ओके, देन दिस इम्प्लाई ये मल्टीप्लाई होगा 55x से, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू जीरो। एंड दिस इम्प्लाई हम एक्स स्क्वायर टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम एक्स टर्म्स को लिखेंगे तो 55x माइनस 750 इक्वल टू जीरो। ओके, एंड दिस इम्प्लाई ये माइनस है, तो हम माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से, तो क्या होता है? कंपेयरिंग विद क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला हमें? a इक्वल टू कितना है? x, तो क्या लिखेंगे? 1। एंड b इक्वल टू क्या है? माइनस 55। एंड c इक्वल टू कितना है? 750। तो a डॉट c इक्वल टू क्या है? a 1 एंड सी कितना है? 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750। और मिडिल टर्म क्या है? माइनस 55, तो पहले हम LCM ले लेते हैं 750 का, तो हम 5 से लेंगे तो ये हो जाएगा 150, एंड 5 से लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 0, तो यहाँ पे 25 into 30। ओके, ये हम मिडिल टर्म लेंगे, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। वी स्प्लिट मिडिल टर्म क्या है? माइनस 55x एज हम क्या लेंगे?
25x एंड माइनस 30x, ओके। तो क्या इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 55 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिया हमने मिडिल टर्म 25x माइनस 30x एंड प्लस क्या है 750 इक्वल टू जीरो। अब हम दिस इम्प्लाई x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 एंड यहाँ पे हम माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू जीरो, ओके। तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे हम x माइनस कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 25 और x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 इक्वल टू जीरो एंड इफ x माइनस 25 इक्वल टू जीरो तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू क्या होगा 25, ओके। एंड इफ x माइनस 30 इक्वल टू जीरो तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ओके। तो देयरफोर द नंबर ऑफ टॉयज इज 25 एंड 30, 25 और एंड नहीं और होगा, यही हमें फाइंड करना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, तो द नंबर ऑफ टॉयज इज 25 और 30, यही हमारा आंसर है।